हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टैकर जोन में। तो दोस्तों एक नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, गेल की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। गेल एक महारत्न पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हीं की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ताकि आपका समय वेस्ट न हो। गेल की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग से, आपने ITI किया हुआ है, या आपने BSc किया हुआ है, MSc किया हुआ है, BBA किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्होंने 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस मांगा है। यदि आप फिट आते हैं इस क्राइटेरिया में तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और यदि आप वीडियो को छोड़ रहे हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। गेल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है, यहाँ पे टोटल 19 पोस्ट इनकी तरफ से नोटिफाई की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, यहाँ पे फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पोस्ट निकाली गई है, जो कि टोटल 14 वैकेंसीज हैं। नीचे आते हैं यहाँ पे तो फोरमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ 1 वैकेंसीज हैं, फोरमैन सिविल के लिए 1 है, ऑपरेटर केमिकल के लिए, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 35 वैकेंसीज हैं। लास्ट में यहाँ पे मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए 19 वैकेंसीज मेंशन की गई हैं। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 282 वैकेंसीज इनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए यहाँ पे जो पे स्केल होने वाला है वो 35,000 से लेकर 1,38,000 के बीच में है, जो कि इसमें डिसिप्लिन बताया गया है कि क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जो कि केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, तो भी चल जाएगा, और आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे इन्होंने 8+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है इन रिलेवेंट फील्ड्स, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं जैसे कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है और एक्सपीरियंस भी 8 इयर्स का मांगा गया है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसी तरीके से फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मांगा गया है, और डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में। फोरमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, और यहाँ पे मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन रिलेवेंट फील्ड। इसी तरीके से यहाँ पे जो पोस्ट है, सारी 19 पोस्ट के बारे में इनकी तरफ से मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट है, और यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस भी नीचे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखते हैं, एक पोस्ट है असिस्टेंट स्टोर परचेज के लिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है इनकी तरफ से, और यहाँ पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का, इसमें आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, यदि आपने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं या फोरमैन ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास जो होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो फुल टाइम होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया है। यहाँ पे यदि आपने इंडस्ट्रियल वोकेशनल ट्रेनिंग किया हुआ है कहीं पे, तो उसको एक्सपीरियंस बेसिस पे काउंट नहीं किया जाएगा, क्लियरली इनकी तरफ से मेंशन कर दिया गया है। एज लिमिट, अपर एज लिमिट यहाँ पे इनकी तरफ से जो होगा वो 15/9/2022 के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, और यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन इनकी तरफ से दे दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया है कि यदि आप S7 ग्रेड में यदि अप्लाई कर रहे हैं तो 35,000 आपका इनिशियल बेसिक पे होने वाला है, S5 ग्रेड के लिए 29,000 और S3 ग्रेड वालों के लिए 24,500 बेसिक पे होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको कुछ बेसिक पे के साथ जो पॉक्स एंड अलाउंस होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा इनकी तरफ से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में इनकी तरफ से बताया गया है कि एप्लीकेशन फी जो कि एक रीजनेबल एप्लीकेशन फी है, 50 रुपीज़ का एप्लीकेशन फी होने वाला है, जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए होगा, और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ नहीं होने वाला है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको इनके इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, और इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। 15/9/2022 ये लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की। 16/8/2022 से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नीचे में डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको कोई भी सबमिट नहीं करना है डॉक्यूमेंट, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म का कोई भी हार्ड कॉपी आपको इनके एड्रेस तक नहीं सेंड करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इनकी तरफ से एक रिटन टेस्ट कराया जाएगा और उस रिटन टेस्ट के बेसिस में ही आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या क्या टेस्ट सेंटर होने वाला है, तो टेस्ट सेंटर के लिए आपको दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर एंड चेन्नई, ये इनकी तरफ से टेस्ट सेंटर्स अलॉट किए गए हैं, तो इन्हीं टेस्ट सेंटर्स पे इनका टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहीं पे आपको डेट दिया गया है जो कि 15/9/2022 मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। इस डेट से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है और 16/8/2022 यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों बस यही था इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी ऑथेंटिकेटेड जॉब अपडेट्स आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।